Assalamu alaikum viewers, this is Faiza Waseem and today I will tell you that how can you find out the identification of any wrong number. So for that purpose I will explain three ways or in three ways ke through aap log ye pata kar sakte ho ki for example agar aap log ke paas koi number aaya hai aur uski identification aapko nahi pata aur aap cha rahe ho ki uska naam uska address ya uski other information aap log malum karna cha rahe ho to aap log ye kis tarah se karoge to aaj hum log uske teen ways dekhenge. So jo first way hai hamare paas wo hai true caller website ke through. Acha start karne se pehle main ye clear kar dun ki abhi tak agar aap log ne mera channel subscribe nahi kiya hai to yahan pe subscribe ke button ke upar click karke aap log mera channel subscribe कर सकते हो और यहाँ से वीडियोस के ऊपर क्लिक करके आप लोग मेरी बाकी वीडियोस भी वॉच कर सकते हो जिस और आई होप आप लोगों को वो अच्छी लगेंगी. ठीक, तो स्टार्ट करते हैं. हम लोग सबसे पहले हमारा जो वे है वो है ट्रू कॉलर वेबसाइट के थ्रू. तो आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट ओपन योर ब्राउज़र एंड टाइप इन द यूआरएल बार www.truecaller.com truecaller.com. ठीक, तो जब आप इसको ओपन करोगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है. नाउ यू कैन सी हियर देयर इज़ अ सर्च बार एंड यहाँ से आप लोग अपना कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो, आप लोग जिस कंट्री से भी बिलोंग करते हो. राइट, सो अब मेरे पास एक नंबर है जो मुझे पता नहीं है, वो मुझे मेरे पास उसके बार बार मैसेजेस एंड कॉल्स आती हैं बट आई डोंट नो कि वो कौन है. तो अगर मैं पता करना चाहूँ कि वो नंबर किसका है तो मैं जस्ट यहाँ पर नंबर टाइप करूँगी 721. ठीक, तो जैसे ही मैं नंबर लिखकर एंटर प्रेस करूँगी सो यू कैन सी यहाँ पे जो है वो उस पर्सन का नेम और उसकी लोकेशन आ गई कि वो कहाँ से बिलोंग करता है और उसका नंबर और लोकेशन क्या है. अगर आप लोग उसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन मालूम करना चाहते हैं, अब आप लोग देख सकते हो इस वेबसाइट ने हमें एड्रेस, उसका नंबर और उसका ईमेल एड्रेस बता दिया. बट अगर आप लोगों के फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि ये वाली वेबसाइट तब काम करती है जब जो हम नंबर एंटर कर रहे हैं यहाँ पे वो कभी ना कभी इंटरनेट से कनेक्ट हुआ हो. मींस अगर ये नंबर जो मैंने यहाँ पे एंटर किया था अगर ये कभी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हुआ होगा तो ये एरर दे देगा और आप लोग को उसका नाम या उसकी लोकेशन शो नहीं करवाएगा. तो जो सेकेंड वे है हमारे पास वो है फेसबुक के थ्रू. तो हम फेसबुक के थ्रू किस तरह से मालूम करेंगे, आप लोगों ने क्या करना है, इन यूआरएल बार टाइप www.facebook.com. ठीक, अगर मैं इसी नंबर को यहाँ पे कॉपी और पेस्ट करूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ. कंट्रोल सी और यहाँ पे सर्च बार में आप लोगों ने आके इसको पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी करके. ठीक, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग अपना कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हम लोगों से वो अपने मींस या तो हम ईमेल के थ्रू अकाउंट क्रिएट करते हैं या फिर हम अपने नंबर के थ्रू अकाउंट क्रिएट करते हैं. अगर हम लोग नंबर एंटर ना भी करें तो कभी कभार हमें सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए नंबर एंटर करना पड़ता है. तो मींस जो नंबर आप लोग एंटर कर रहे हो अगर उस नंबर से कोई फेसबुक पर अकाउंट क्रिएट हुआ है, अब ये गारंटी नहीं है कि वो अकाउंट फेक हो या रियल किसी की आईडी है. मींस अगर उससे कोई भी अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ है तो वो आपके पास आ जाएगा. जिस तरह से आप लोग देख सकते हो मेरे पास जो नंबर मेरे पास आ रहा था मैंने उसको यहाँ पे फेसबुक पे लिख के सर्च किया है तो यहाँ पे राफे मेमन के नाम से एक अकाउंट आ गया है. अगर मैं इसको ओपन करूँ तो मुझे इसकी बाकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से मिल सकती है. मीन्स ये शिकारपुर से बिलोंग करता है और स्टडीड इन शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर. आई डोंट नो ये कौन है और इसके मेरा नंबर इसके पास कैसे चला गया. ठीक, तो आप लोग इस तरह से इसके अबाउट में जाके इसकी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो. अब ये गारंटी नहीं है कि ये जो पर्सन है वो बिल्कुल राइट है या फेक है कोई. ठीक, अभी हमारे पास थर्ड वे है वो हम देख लेते हैं एक दफ़ा. और थर्ड वे हमारे पास जो है वो है गूगल के थ्रू. मींस आप गूगल के थ्रू किस तरह से किसी भी पर्सन के आइडेंटिफिकेशन मालूम कर सकते हो. तो आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट अपने ब्राउज़र में गूगल टाइप कीजिए. ठीक, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे नंबर टाइप कर दें. अच्छा, अब
गूगल किस तरह से काम करता है, पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि अब हम गूगल में जो भी सर्च करते हैं ना, वो जाकर देखता है कि उसको कहाँ कहाँ पे, कौन कौन सी वेबसाइट्स पे वो कीवर्ड नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ पर अगर कोई नंबर एंटर करूँगी तो वो अपनी उसकी जितनी भी हिस्ट्री है, उसका जितना भी डेटा है, वो सब में जाके चेक करेगा कि अच्छा मुझे यहाँ यहाँ पर ये चीज़ मिल रही है, तो वो मेरे पास वो एड्रेस या वो वेबसाइट्स उठा कर ले आएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि गूगल आपको जो है वो उसकी इन्फॉर्मेशन दे, ट्रू कॉलर और फेसबुक के थ्रू आप लोग कर सकते हो, बट गूगल पे भी हमारे पास तीन वेज आते हैं। तो पहले हम सबसे पहला वे देखना है कि आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट अपना नंबर टाइप करो जो भी आपको सर्च करना है। ठीक, अब मैंने अपने नंबर से अपना जीमेल, अपना गूगल प्लस का अकाउंट, अपना वेबसाइट क्रिएट की हुई है, तो आप लोग देख सकते हो कि उसने चेक किया। अब यहाँ पे टोटल कितने रिजल्ट्स आए हैं, 64 रिजल्ट्स गूगल अपने पास उठाकर लेकर आया है। मीन्स उसको 64 जगहों पर मेरा नंबर जो है वो, जो मैंने नंबर यहाँ पे एंटर किया है वो मिला, तो वो 64 रिजल्ट्स उठाकर ले आया। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे फर्स्ट लिंक के ऊपर जाके चेक कर सकते हो, सेकंड पे इसके अलावा 64 रिजल्ट्स हैं, तो यहाँ पे और अदर पेजेस हैं, आप लोग उनके ऊपर जाके अपना जो है वो नंबर सर्च कर सकते हो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल नंबर एंटर करने पर आप लोगों को कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो जो हमारे पास एक और वे है वो मैं आपको बता दूँ। आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट अपना जो भी नंबर है ना, उस नंबर को लिखो और उस नंबर को आप लोगों ने इन्वर्टेड कॉमास में दे देना है। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अब आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग जो नंबर भी सर्च करना चाहो, मीन्स क्या करना है, नंबर लिखो और उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख दो, और जब आप एंटर प्रेस करोगे तो इससे क्या होगा कि उसकी जो सर्चिंग होगी गूगल की, वो थोड़ी एफिशिएंट हो जाएगी, मीन्स उसको थोड़ी आसानी हो जाएगी नंबर फाइंड आउट करने में। अगर आप लोगों के पास सिंपल नंबर लिखने में और उसको इन्वर्टेड कॉमास देने के बाद भी अगर आप लोगों के पास कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो एक और जो थर्ड वे है हमारे पास वो क्या है, आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे नंबर को इन्वर्टेड कॉमास में दो और उससे पहले आप लोगों ने क्या टाइप करना है, फ़ोन बुक कॉलन इन्वर्टेड कॉमास और इसके अंदर अपना कोई भी नंबर, और आप एंटर प्रेस कर दोगे तो इंशाल्लाह आप लोग के पास लाजमी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, तो मैंने आज आपको तीन वेज बताए हैं। पहला वे जो है वो ट्रू कॉलर वेबसाइट के थ्रू, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन मैंने आपको क्या बताई कि ज़रूरी नहीं है ये आपको रिजल्ट सर्च करके ला के दे। क्यों? क्योंकि जो आप नंबर सर्च कर रहे हो उसकी ये रिक्वायरमेंट है कि वो लाजमी कभी ना कभी इंटरनेट से कनेक्ट हुआ हो। अगर वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हुआ होगा तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, आपको एरर शो हो जाएगा। ठीक, लेकिन जो मैंने नंबर अभी सर्च किया था वो इंटरनेट से कनेक्ट हुआ था, इसलिए यहाँ पे मुझे उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, उसका ईमेल, ये सब कुछ मिल गया। अब आप लोग इस इनके थ्रू और उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो, और आप लोग जिस सिटी से भी बिलोंग करते हो और वो यहाँ पे एंटर करके उस जस्ट सिंपली नंबर टाइप कर दो। बहुत सिंपल सा इंटरफेस है, कोई मुश्किल बात नहीं है। जो हमने सेकंड वे देखा उसमें क्या था, आप लोगों ने जस्ट जो सर्च बार है उसके ऊपर अपना नंबर टाइप कर देना है और उस पर्सन की, जो नंबर आपने एंटर किया है उस पर्सन का आपके पास अकाउंट और आइडेंटिफिकेशन आ जाएगी। जब उस पर्सन के आपके पास अकाउंट आ गया तो इट मीन्स बहुत आसान है आप लोग उसकी अदर इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना। आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट सिंपल अबाउट के ऊपर क्लिक करो, जैसे कि हम लोग को टाइमलाइन से भी जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जैसे कि अगर मैं देखना चाहूँ कि ये शिकारपुर से बिलोंग करता है और अच्छा, इसके अलावा मैं जो है इनके फ्रेंड्स में भी जाके चेक कर सकती हूँ, लेकिन फ्रेंड्स पे इनकी प्राइवेसी है आई थिंक, चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। जी फ्रेंड्स पे इनकी प्राइवेसी, फॉलोवर्स शो हो रहे हैं, तो आप लोग जो है वो इस तरह से और इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो, चाहो तो अबाउट में जाके चेक कर लो। ठीक, तो यहाँ से आप लोगों को उसकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है हमारे खुद के जो फ्रेंड्स होते हैं, हमारे खुद के जो रिलेटिव्स होते हैं, वही हमारे कजन्स वगैरह हमें पागल बना रहे होते हैं किसी और नंबर से हमें परेशान करके या जो है वो मैसेजेस वगैरह करके। और थर्ड में जो मैंने आज आपको बताया वो था, आप लोग सिंपल अपना नंबर टाइप करोगे पहले तो गूगल पे जाके,
ठीक, आप लोगों ने नंबर टाइप किया, वो जितने भी रिजल्ट्स लेकर आएगा उसमें कहीं ना कभी कहीं आपको मिल जाएगा उसकी इन्फॉर्मेशन। अगर ना मिले तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको इन्वर्टेड कॉमास में दे दो। अगर तब भी ना मिले तो इसके उससे पहले फ़ोन बुक टाइप कर दो। तो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस में से बाकी वीडियोस भी वॉच कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।